त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा, वहीं मतदान करने वालों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी अधिक देखी गई। ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव होने के कारण अक्सर महिलाएं घूंघट में नजर आईं। इसका कारण महिलाओं ने बताया कि गांव का चुनाव है और उनके परिवार और बड़े गाँव के सभी संभ्रांत लोग भी मतदान करने आए हैं, इसलिए भारतीय संस्कार को देखते हुए उनको घूंघट में आना पड़ा है। लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपने कार्य बखूबी निभाती हैं और निभाती रहेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि महिलाएं आज समाज में अपना एक अलग पहचान बना चुकी हैं, लेकिन गांव में मतदान के दौरान जो महिलाएं घूंघट में वोट देने आई हैं उसका एक कारण उनका संस्कार है और वे बखूबी जानती हैं कि घूंघट में किस तरह काम करना है और वे घूंघट और संस्कार के साथ अपना कार्य निभा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, का वोट है इसलिए घूंघट में आई है क्या? क्यों आपके परिवार वाले यहाँ पे हैं? हाँ, परिवार के गांव की है। जमानत काफी आगे बढ़ गया है, समझ रहा है, लेकिन मान लीजिए समाज में तो ही रहना है, कहीं हम बाहर नहीं निकलते हैं, कैसे क्या करें? घूंघट में वोट देने आई है, गांव का वोट है इसलिए क्यों? हाँ, गांव का वोट है इसलिए। हाँ, कदा हाँ बोलिए, कहाँ शर्मा रहे हैं? इसीलिए आई है ना, गांव से कुछ आपके घर वाले हैं बड़े तो यहाँ पे, जैसे आपके घर के कुछ बड़े लोग हैं क्या यहाँ पे आए हैं? घूंघटवा तने उठा ला हो। हाँ, सब लोग बड़े हैं। बोल दीजिए कि हम सब बड़े हैं। सब बड़े लोग हैं यहाँ पे। सुख जलाल के अरे बन दुलाइन बलन जिन तब बने मेयर रही हैं आप और तमाम क्षेत्रों में गई थी आप चुनाव प्रचार में और जनता ने आपको चुनावी काफी अच्छी तरह से, और इस समय देखा जाए पंचायत चुनाव हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव शहर से कुछ लेना देना नहीं रहता है, कुछ लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वही वोट देने जाते हैं वहाँ पर, तो अक्सर देखा गया कि महिलाएं काफ़ी घूंघट में आई थी, तो क्या कहेंगे आप? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज वोटिंग हुई है और ये बात सत्य है कि इससे शहर से लेना देना लेकिन है नहीं है, लेकिन ये भी आप मान लीजिए शहर से लेना देना भी है। शहर के लोग भी जो बॉम्बे दिल्ली आज देखिए कि बाहर बाहर से लोग पंचायत चुनाव में अपनी वोटिंग के प्रति इतनी उन लोगों को इसके लिए जागरूक रहते हैं कि वोट डालने आते हैं। और रहा घूंघट की बात, तो ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पर्दा प्रथा है, जबकि कहा जाता है कि पर्दा प्रथा तो आँखों में होनी चाहिए, सम्मान होना, लेकिन पर्दा प्रथा है घूंघट में है। यहाँ तो वोट डालने आई, आप राजस्थान में देखिए कि महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं चेहरा ढके रहती हैं लेकिन बहुत कुछ काम करती हैं, इसी तरह घूंघट में रहना और काम करना ये अलग अलग बातें हैं। घूंघट में आई हैं, घूंघट में रहते हुए भी काम करें, अच्छा काम करें, ये मायने रखता है। और इन लोगों ने जो वोटिंग दिया है, और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा पिछले चुनाव से अभी का, पहले पति लोग कहते थे फलाने जगह वोट डाल देना, लेकिन आज महिलाएं घूंघट में रहते हुए भी वो अपने ही सोच के साथ वोटिंग करती हैं, और नहीं तो अब परिवार में भी कहती हैं कि देखिए आप लोग उसमें न पड़िए, अब वोट फलाने जगह ही डालिए, सोच लीजिए, चाहे या आप जो भी कहें या पति कहता है, ससुर जी कहते हैं, तो चुप लगा के भी वो अपने हिसाब से वोटिंग भी कर रही हैं। घूंघट में रहना और वर्क करना
दोनों अपना अपना मायने रखता है। तो क्या इसको संस्कार से भी जोड़ के देखा जाए? हाँ, हम लोगों की संस्कार है। मैं महापौर रही हूँ अपने यहाँ, आज भी मैं जो हमारे रिश्तों में जेठ लगते हैं वो जानते हैं, मैं उनसे मतलब एक पर्दा के हिसाब से बात नहीं करती, मैं उनके सामने बैठ के आजकल जबकि बहुएं हैं वो सिर पे पल्लू भी नहीं रखती, अपना काम करती, ये मतलब जेठ ससुर कुछ भी, जबकि हम लोग क्या है कि जेठ अगर छू दिया तो उसको एक पाप की तरह से हम लोग मानते हैं, लेकिन हम मैं महापौर रहते हुए भी मैं आज तक उसको कायम रखे हुए हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहीं देखा नहीं होगा कि मैं किसी काम से कभी आप लोगों ने मुझे गुरेज करते देखा होगा।